साथियों से निवेदन है आज समय बहुत कम है जगह जगह जनता जैसे आप हमारा यहाँ इंतजार कर रहे हैं। भैया प्रणाम। पूरे कलेजे की बाबू हेलो। आज जगह जगह जनता हमारा इंतजार कर रही है और लोगों का ये कहना है कि केवल आप चेहरा दिखा दीजिए, ज्यादा समय आप लेंगे तो बहुत जगह हम नहीं पहुंच पाएंगे। कल हमारे नेता अखिलेश यादव जी महाराजगंज आ रहे हैं, आपसे अपील करने आए हैं कि कल 1 बजे तक पूरा हुजूम महाराजगंज पहुंचे और वहां पूरा भाषण सुनिए। हम आपसे अपील करते हैं जो 19 तारीख को एक एक आदमी साइकिल वाले बटन पे अपना बटन दबावे, 7 सेकंड के अंदर पर्ची निकलेगी, उसमें अगर साइकिल वाला निशान नहीं है तो तुरंत अपने एजेंट को बताइए और चैलेंज उठ पड़ेगा। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों, इस बार गन्ने की जितनी दुर्दशा हुई है आपके इलाके में, जब से देश आजाद हुआ ऐसा गन्ने की दुर्दशा नहीं हुई। दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और लखनऊ में भी भाजपा की सरकार है। इन भाजपा की सरकार चलाने वाले लोगों ने आपको जितना दुख पहुंचाया है उनसे बदला लेने का वक्त आ गया है। 19 तारीख साइकिल वाला बटन दबा दीजिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच करके जितना अन्याय हुआ है आपका, उस एक अन्याय एक एक अन्याय का हिसाब किताब हम लोग ने। और ये कहना चाहते हैं कि जो लोग समाज को बांटने की बात कर रहे हैं वो कभी भी भारत माँ के सच्चे सपूत नहीं हो सकते हैं। हिंदू मुसलमान भारत माँ की दो खूबसूरत आंखें हैं, इसमें से एक आंख भी फूट जाती है तो भारत माँ की तस्वीर बदसूरत हो जाती है। जो लोग अपनी माँ की तस्वीर को बदसूरत करने का काम कर रहे हैं वो कभी भी भारत माँ के सच्चे नागरिक नहीं है। जिस तरह से आपने यहाँ पर जोश को बनाया है, इस जोश को 19 तारीख तक बनाए रखते हुए साइकिल को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करिए। कल भटहट से लेकर के और आज लक्ष्मीपुर तक जो नजारा देखने को मिल रहा है उसमें चुनाव एक तरफा जा रहा है, एक तरफा। आप 2 लाख वोटों से आज चुनाव जीत रहे हैं, 19 तारीख तक 3 लाख वोट के अंतर से जीतिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम।